शुभ मध्याह्न छात्रा, कक्षा 7 विशेष संस्कृत पंचमा पाठ के अंतर्गत हम लोग पंडिता रमाबाई पाठ का अध्ययन कर रहे थे और पंडिता रमाबाई में अस्मिन आश्रम में निसहाय स्त्री निशंत अस्मि, इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे तत्र यहाँ स्त्रियां महिलाएं मुद्रा टंकर छपाई और टाइपिंग काष्ठ कला दिनास प्रशिक्षणम अपि लभन्ते अस्म, लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। यहाँ पर महिलाएं मुद्रण छपाई टाइपिंग और लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, परम परंतु इदम नगरम इस नगर इस परंतु इदम यह सदनम सदनम अर्थात आश्रम पुणे नगरे पुणे नगर में स्थानांतरित जातम हो गया। परंतु यह सदन अर्थात आश्रम पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे केड गांव, तथा इसके बाद पुणे नगर के समीप केट गांव नामक स्थान पर मुक्त मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। इसके बाद पुणे नगर के समीप अर्थात पास केट गांव नामक स्थान पर मुक्त मिशन नामक संस्थान अथवा आश्रम उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अधुना अभी अब भी निराश्रिता निसहाय स्त्रियाँ अर्थात महिलाएँ ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, यहाँ अभी भी निसहाय स्त्रियाँ अर्थात महिलाएँ सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं अर्थात जीवन बिता रही हैं। आगे देखेंगे 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकास भाषासु निपुणा आसीत। सा वे देश विदेश अनेक भाषासु भाषाओं में निपुण आसीत थी। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अब तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में अब भी समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, भी तस्या उनका महत्वपूर्ण योगदान था। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? रमाबाई का। स्त्री धर्मनीत हाई कास्ट हिंदू विमेन, स्त्री धर्मनीत हाई कास्ट हिंदू विमेन इति यह तस्या उनका प्रसिद्ध दो रचनाएं वर्तते थी। स्त्री धर्मनीत हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। ऐसा करती हूँ बच्चों, आप लोगों की समझ में आया होगा। और आज यह हमारा पाठ समाप्त हुआ, शेष अगले दिन। धन्यवाद।